ये बढ़ते हैं आगे खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि अच्छा ना करने वालों को बुरा ही लगेगा। सीएम योगी कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्या करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कोर्ट को रोकना पड़ा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीति नियत अच्छी नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम। नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं, दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनुकूल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई, कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नियत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सत्य से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है, तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, भाई आप हमने देखा है बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वो अभी अंतिम दम तक जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई है। तो यही कहते हैं ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है।